हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एस के वूल स्टोर सुषमा कुहाड़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप सभी के लिए वर्धमान कंपनी की ब्लू बेल वाली ऊन लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने इसकी 3 वीडियो अपलोड की हैं, जिसमें मैंने 10-10 कलर दिखाए हुए, यानी 30 कलर मैं चैनल पर दिखा चुकी हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 7 कलर दिखाऊंगी और 7 के साथ बहुत सुंदर कलर हैं। अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। वीडियो से आपको जो भी कलर पसंद आता है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शेड नंबर मैं आपको बोल के बताऊंगी, वो शेड नंबर नोट कीजिए और इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे भेज दीजिए। जोन से कलर में जितने आपको बॉल लेने हो उतने आप लिख कर भेज दीजिएगा। अब आती है इसमें पेमेंट की बारी। पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी, फ़ोनपे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, पेटीएम, जो भी सुविधा आपके पास हो सब तरह से पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट करने के बाद यहां से आपके पार्सल को कुरियर किया जाएगा। जब आप व्हाट्सएप पर आओगे तो बाकी की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। पेमेंट कैसे करनी है, वहाँ पर आपको अपना प्रॉपर एड्रेस भेजना है, यहाँ से आपको जो जो कलर अच्छे लगते हैं उनका स्क्रीनशॉट भेजना है। अब आती है इसमें शिपिंग चार्ज की बारी। तो देखिए, अगर आप मेरे से ओसवाल या वर्धमान कंपनी की 500 ग्राम से लेकर 800 ग्राम ऊन बाय करते हो तो आपको 50 रुपये अलग से शिपिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों कंपनी में से कोई भी ऊन 1 kg या 1 kg से ज़्यादा बाय करते हो, लेते हो, तो आपका कोई शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा। पूरे भारत में आप कहीं भी रहते हो, ऑल इंडिया में कहीं से भी ऑर्डर कीजिए, 1 kg या इससे ज़्यादा ऊन लेने पर फ्री शिपिंग में पार्सल आपके घर पर आ जाएगा। तो ये तो हो गई है सारी जानकारी। प्राइस देखिए, मैंने यहाँ कोने में पहले से ही लिख दिया है, 100 ग्राम ऊन 100 रुपये की है, क्योंकि ये जो एक बॉल है ये 100 ग्राम का है। इसका जो लेबल होता है ये भी अलग होता है, नेट 100 ग्राम वूल होती है, 100 ग्राम ऊन 100 रुपये की है। तो चलिए, अब मैं आपको इसके बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर दिखाती हूँ और शेड नंबर आपको 7 के साथ बोल के बताऊँगी। तो ये देखिए, ये है वर्धमान की ब्लू बेल वूल। ये देख लीजिए, वर्धमान ब्लू बेल है और नीटिंग यार्न, मतलब ये 3 ply सिंगल धागे वाली ऊन होती है। ये देखिएगा इस तरह से। और इसमें जो सिलाई, वैसे इसके ऊपर जो कंपनी ने लिखी हुई है वो 8 और 9 नंबर की लिखी हुई है, लेकिन बहुत सारी बहनें बिल्कुल लूज हाथ से बुनाई करती हैं तो वो इसमें 10 नंबर की सिलाई यूज करें। तो ये तो हो गई। और क्रोशिया सेम नंबर का होता है, जिस नंबर की सिलाई यूज होती है उसी नंबर का क्रोशिया यूज होता है उस ऊन पे। तो ये देखिए, आप कलर देख लीजिए, कलर आपके सामने है, जैसा दिख रहा है आपको प्रॉपर वैसा ही कलर मिलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और इसकी जो शेड है वो है 11, शेड नंबर 11। आप शेड नंबर ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ कलर मिलते जुलते होते हैं, जब शेड नंबर लिखी होती तो प्रॉपर आपको वही कलर मिलेगा जो आपने पसंद किया है। कई बार हमें समझने में गलती लग जाती है, इसीलिए मैं शेड नंबर हर कलर का बोल के बताती हूँ। तो शेड नंबर है इसकी 11। अगर आपको ये कलर पसंद है, आप इसे लेना चाहते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। शेड नंबर 11 लिखिए, कितने ग्राम ऊन लेनी है वो लिख दीजिए। देखिए, मेरी तरफ से आपको अगर मान लिया 500 ग्राम ही ऊन लेनी है और आपको चाहिए 5 कलर में, तो 5 रंग अलग अलग ले सकते हो, लेकिन आपको अपना ये देखना है कि मुझे स्वेटर, जैकेट जो भी बनाना है उसमें ऊन कितने ग्राम लगेगी। थोड़ी सी ऊन ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जिनमें ऊन ज़्यादा लगती है, किसी में कम लगती है। अगर ऊन कम पड़ गई और आप बाद में वही कलर ऑर्डर करोगे, शेड नंबर सेम मिल जाएगा, लेकिन ये जो कलर होता है इसमें 19-20 अंतर आ जाता है, इसलिए एक बार में ही पूरी मात्रा में ऊन लेके रखें। तो ये है शेड नंबर 11, एक कलर हो गया। अब देखिए, मैं आपको दूसरा कलर दिखाती हूँ, बॉटल ग्रीन कलर है ये, बहुत ही सुंदर सा है। आप ऊन की क्वालिटी देख लीजिए, बहुत अच्छी है। और इस कलर की जो शेड है वो है 66, यानी 66। बॉटल ग्रीन कलर है, शेड नंबर 66, 66 नंबर।
अगर आपको ये कलर पसंद है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। बॉटल ग्रीन कलर, शेड नंबर 66। दो कलर हो गए। अब देखिए मैं आपको तीसरा कलर दिखाती हूँ, चॉकलेट कलर है, बहुत ही सुंदर सी शेड है। देखो चॉकलेट कलर है और इसकी जो शेड है वो है 44 नंबर, शेड नंबर 44, 44 नंबर। अगर आपको ये कलर पसंद है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। शेड नंबर 44, 44 नंबर। और अगर आपको कैटालॉग ओपन करके उसमें फाइल ओपन करना आती है तो कैटालॉग में इसके सभी कलर ब्लू बेल के लग चुके हैं, आप वहाँ से इसके सारे कलर देख सकते हो। और अगर आपको खुद से नहीं आता तो आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, आप उनसे कहिए, वो कैटालॉग आपको ओपन करके देंगे। कैटालॉग में बहुत सारी ओसवाल की फाइल हैं, वर्धमान ब्लू बेल की फाइल हैं। एक फाइल पर जब आप कलर करोगे और उसको स्लाइड करोगे तो 9 से 10 कलर एक फाइल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ सारे कलर आप देख सकते हो, बैक कैमरे से बने हुए हैं। ये है चॉकलेट कलर और शेड नंबर 44। ठीक है जी, तीन कलर हो गए। अब मैं आपको चौथा कलर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर कलर है, आप कलर देखिएगा पहले तो, इतना मस्त कलर है, आपको बहुत पसंद आएगा। जेंट्स, लेडीज, बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत ही सुंदर सा कलर है। ये देख लीजिए, और इसकी जो शेड नंबर है वो है 87, यानी 87 नंबर, 87 नंबर है इसका। अगर आपको ये कलर पसंद आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। कलर में कोई चेंज नहीं है, जैसा आपको सामने कैमरे पर दिख रहा है ना, बिल्कुल प्रॉपर वही कलर आपके पास आएगा। 19 से 20 भी कलर में अंतर नहीं है। किसी कलर में अगर अंतर आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि हाँ ये कलर जो है थोड़ा सा चेंज है, बट ये बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, चार कलर हो गए। अब मैं आपको पाँचवा कलर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर कलर है, आप देख सकते हो, शेड देखिए इसकी, और जो आप देख रहे हो ना प्रॉपर कलर आपको मिलेगा। ये देखिए, मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। ये देखो, ये है वर्धमान की ब्लू बेल, कलर आप देख सकते हो, शेड नंबर है इसकी 7, शेड नंबर 7। अगर आपको ये कलर पसंद है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सेम कलर आपको मिलेगा, शेड नंबर 7 यानी 7। ठीक है जी, अब देखिए मैं आपको अगला कलर दिखाती हूँ। आप ये कलर देखो कितना सुंदर, एकदम न्यू कलर है, आप देख सकते हो कलर कितने सुंदर आए हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर हैं, और शेड नंबर है 13, शेड नंबर 13, बहुत सुंदर सा कलर है। आप देख सकते हो, जो कलर देख पा रहे हो ना आप कैमरे पर, प्रॉपर कलर आपको मिलेगा, कोई चेंज नहीं कलर में। ठीक है जी, 6 कलर हो गए। अब देखिए सातवां कलर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वर्धमान का रोजमेरी, रोजमेरी और ब्लू बेल एक रेट की ऊन होती है और एक ही क्वालिटी होती है। वाइट कलर ब्लू बेल में नहीं मिला था तो फिर मैंने रोजमेरी का लिया था, क्योंकि वाइट कलर की बहुत डिमांड रहती है। तो फिर कंपनी वालों ने बताया कि रोजमेरी और ब्लू बेल, सिर्फ नाम चेंज है, क्वालिटी सब एक जैसी है, सारा सब कुछ बराबर है, प्राइस वगैरह सब कुछ सेम है। तो फिर ये एक कलर मैंने ब्लू बेल में रोजमेरी का डलवाया था कि वाइट कलर चाहिए होता है, बहुत डिमांड में रहता है वाइट कलर। और शेड नंबर है इसकी 14, यानी 14, शेड नंबर 14, वाइट कलर। तो बहनों, आज की इस वीडियो में मैंने आप सबको 7 कलर दिखाए हैं। अगर आपको ये कलर पसंद आए हों, आप इनमें से कोई कलर लेना चाहते हो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेज दीजिएगा। और बहुत सी बहनें जो न्यू जुड़ती हैं वो सबसे पहले फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये हमारा जो हाथ है ना, इसकी पांचों उंगलियां बिल्कुल बराबर नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। मैं यहाँ काफ़ी दिनों से अपना सामान बेचती हूँ, सब जगह पार्सल जाते हैं, हाँ इतना हो सकता है भाई, कहीं दूर के होते हैं पार्सल एक दो दिन लेट हो जाते हैं, नज़दीक के होते हैं तो जल्दी चले जाते हैं। कई बार पार्सल जो है जो जहाँ का है वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन जो डिलीवरी बॉय होते हैं, जो पोस्टमैन होते हैं, ये थोड़ी बहुत लापरवाही कर देते हैं, पार्सल को अपने पास रखे रहते हैं, सोचते हैं उस एरिया का एक दो पार्सल और इकट्ठा हो जाएगा तो एक साथ ही उसको हम डिलीवर करने जाएंगे, बस इतना हो जाता है। बाकी मेरी तरफ से इतनी भी देरी नहीं होती है,
अगर कोई सरकारी छुट्टी आ जाती है, जैसे संडे होता है, संडे को पार्सल कुरियर नहीं होते हैं, या कोई और छुट्टी आ गई, जैसे 15 अगस्त की छुट्टी थी, इस तरह से इन छुट्टियों में पार्सल कुरियर नहीं होते हैं। वरना अगर मान लिया शाम के 5, 5:30 बजे तक किसी की पेमेंट आती है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आज के आज इसको कुरियर कर दूँ। हाँ, फिर 6 बजे के 5:30 बजे के बाद 6:30-7 बजे तक जब पेमेंट आती है, तो उनको मुझे बोलना पड़ता है कि मैं अगले दिन कुरियर करूँगी, तो उनका नेक्स्ट डे कुरियर हो जाता है। बहुत सारी बहनों के होता है कि स्लिप नहीं भेजी, लेकिन बहनों ऐसा होता है, मेरी कोशिश तो ये रहती है कि मैं सबकी स्लिप भेज दूँ, लेकिन किसी किसी की रह जाती है, क्योंकि आप सब देख सकते हो कि काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसा मत नहीं है कि भाई किसी का पार्सल नहीं जाता, सबके पार्सल जाते हैं, एक दिन आगे पीछे, इससे ज़्यादा नहीं। तो बहनों, आपको आज का ये कलर कलेक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और जिन बहनों को पार्सल मिल जाते हैं, उनकी जान पहचान वाले कोई ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उनको वीडियो शेयर ज़रूर कर दिया करो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।